सेफली आईवी अब भी रिमूव करें, चारों तरफ से रिमूव। दोस्तों ये आईवी केनुला कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ये आईवी केनुला सेफली कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफली आईवी केनुला रिमूव करने के लिए आपके पास घर में जो भी सैनिटाइजर है वो भी लिक्विड वाला यूज करके आप रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट के जो आई फ्लूड चल रहा है स्टॉप करें, उसके बाद में चारों तरफ से आईवी केनुला के जो लिक्विड वाला सैनिटाइजर है वो अच्छी तरीके से डाल दें। उसके बाद में एक या दो मिनट तक की उसको वेट करने थे। जब जो चारों तरफ से जो टेप है लगाया है, जल्दी रिमूव नहीं होता, इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती, तो इसलिए अच्छी तरीके से सैनिटाइजर डाल दें। जब फूल जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता से ईजिली से रिमूव करें, जल्दबाजी ना करें। जिस तरीके से मैं रिमूव कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी रिमूव करें, चारों तरफ से रिमूव करें। ऐसा नहीं एक साइड से रिमूव करें और खींच लें, ऐसा करेंगे तो पेशेंट के पेन भी होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अब चारों तरफ से रिमूव कर लिया, रिमूव करने के बाद में आपको ड्राई कॉटन लेना है। ड्राई कॉटन को जहां से रिमूव करते हैं उसको 5 से 10 मिनट तक की पुश करके रखना, ये बात पेशेंट को ही बता देना है। उसके बाद में अगर माइक्रोपेड टेप है तो चपका के उसको 5 से 10 मिनट तक की रखें, जिससे पेशेंट का ब्लीडिंग ना हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। 10 मिनट बाद ड्राई कॉटन आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लें कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। आईवी केनुला रिमूव हो चुका है दोस्तों सेफली, इसी तरीके से आप भी आईवी केनुला रिमूव कर सकते हैं।